ये मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाके फंसाना चाहती थी, राजवीर को बाहर निकाल के मुझे जेल भेजना चाहती थी। I don't know अगर आपको इस चीज से फर्क पड़ता भी है कि नहीं डैड, क्योंकि आपके लिए हमेशा और हमेशा राजवीर ही सही रहता है, हमेशा मैं गलत और राजवीर ही सही होता है। That has always been happening, Dad. और जब मैंने पुलिस स्टेशन जाने से मना किया डैड, पता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा डैड। सबके सामने शौर्य लूथरा को थप्पड़ मारा अपने ही घर में, जस्ट बिकॉज मैंने इनकी बात नहीं मानी। क्या कहा तुमने? राजवीर की मासी ने तुम्हें थप्पड़ मारा? शौर्य लूथरा को थप्पड़ मारा, वो भी एक थप्पड़ मारा। एक नहीं, तुम्हें कई थप्पड़ मारने चाहिए थे। करण क्या कर रहा तू? करण, करण, नहीं नहीं रुक जाइए प्लीज। यू मदर इंडिया, मदर इंडिया बीच में मत बोलना। मेरे और मेरे डैड के बीच में कोई नहीं बोलेगा। ये मेरे डैड हैं और मैं इनका बेटा। आप कोई नहीं लगते बीच में बोलने वाले। यस शट अप। आई से शट अप। होश में रह के बात करो। सच कह रहा हूँ, इनके खिलाफ अगर एक और शब्द बोला ना तुमने तो मैं इतना थप्पड़ मारूंगा, मैं इतना थप्पड़ मारूंगा, जिंदगी भर होश ठिकाने रहेंगे तुम्हारे। भैया लिफ्ट ले लीजिए। जी जी जी। पलकी आलिया से बात कर रही थी तो इसका मतलब यह है कि आलिया पलकी के साथ ही है, और अगर आलिया पलकी के साथ है तो उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होगा। पलकी को मेरे बारे में सब कुछ पता है अब। हे भगवान, ऑब्वियसली जो मैंने आलिया के साथ किया है वो तो मेरी हेल्प तो करेगी नहीं, ना मुझे किसी से बचाएगी, उल्टा मुझसे बचेगी। यानी कि पलकी को मेरे बारे में सब कुछ पता है, वो लूथरा हाउस जा रही है मेरे बारे में सब कुछ बताने के लिए। ऑब्वियसली अब फोन पे तो बताएगी नहीं वो किसी को, क्योंकि बात इतनी बड़ी है, तो वो जाके सबसे पहले काव्या को मेरा सच बताएगी। नहीं 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 नहीं, ये मैं होने नहीं दे सकता। देयर बेस्ट फ्रेंड्स ना, लूथरा हाउस जाना ना तेरे को पलकी, टेंशन मत ले, मैं तुझे लूथरा हाउस नहीं आज कहीं और ही पहुंचाऊंगा।